इसमें से असली अर्चना कौन है? ये है। सो यू गाइज आर ऑन कैमरा, देखो सब समोसे खा रहे हैं बीच ब्रेक में। अच्छा सैंडविच है, अच्छा मुझे हो गया अब सैंडविच टाइम। अच्छा ईटिंग अ समोसा, आप समोसा अभी तक खा रहे हैं? मुझे एक भी नहीं मिला, आप भी सैंडविच खा रहे हैं? एक ग्लास में, चलिए इसमें मेरा नाम लिख दिया जाए, है ना। सो यू गाइज रियली एंजॉयड द समोसास। ओके वी आर शूटिंग अ लिंक सो वी हैव टू बी रेडी क्वाइट। अच्छा ये मेरा समोसा मुझे मिल गया, थैंक यू भाई, यम कितना स्वाद आता है। तो आप लोगों को यकीन हो गया कि हम लोग बीच शॉट में, शॉट के मतलब बीच में नहीं, इन बिटवीन शूटिंग खाते भी हैं। वहाँ पर कपल शूट कर रहा है इसलिए हम लोग चुपचाप से, यार दो थोड़ी देर के बाद खाऊंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलीज गाइज, wish you all the best for Panga. Kangna, wish you all the best for Panga. I hope you watch it. Of course we'll watch it, yeah, and we love the trailer. So it's 2:15 at night and we are at the Kapil Sharma show, and this has to be the most awesome audience. All the best. Love you. Thank you so much. इतनी रात जाग रहे सो काम बंदा करो। So it's 2:15 at night and we are the Kapil Sharma show, and this has to be the most awesome audience. Audience अब तक जगी हुई है। That's what we all agree. All the best. Love you. Thank you so much. इतनी रात जाग रहे सो काम बंदा करो। भैया पेमेंट नहीं मिलेगी, प्रोडक्शन से लेना। ये है इनका असली रूप। हम लोग सेट पे कभी कभी ऐसे बुलाते हैं कुछ मूवमेंट्स करने के लिए, और ये स्पेशली ब्रेक लेके गई हैं कि मेरा जरूरी फोन आने वाला है, जरूरी फोन बोल के यहाँ पे पानी पूरी खा रही हैं, और इनको पता था कि पानी पूरी वाला आ रहा है इसलिए अपने बेटे को भी आज बुलाया। ये देखिए मैम वेरी बैड। नहीं नहीं मैं तो ऐसे टेस्ट कर, तेरे को खिलाने ना कपिल इसलिए। हेलो बैक इन द लाउंज, खाली है लाउंज, शुरू नहीं हुआ। मैं एज यूजुअल आई एम द फर्स्ट टू अराइव ऑलवेज। उस दिन ये तस्वीरें नहीं दिखाई थी मैंने आपको, कौन कौन इसमें? अच्छा कृष्णा, शुमोना, मैं, कपिल, हाँ तबू, अजय, अच्छा ये अजय देवगन के साथ था, ओके किकू एंड चंदन। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग लम्हों को, अनुपम, ये अलग अलग लम्हों को कैप्चर करती हैं। सच लवली फोटोग्राफ्स ऑल ऑन दिस वॉल ऑफ फेम। Look at Kapil. I love him in this avatar. हाँ जी कुमार आप कैमरा पे हैं? How are you कुमार? How nice to have you here. Finally. बहुत दिन हो गए। हाँ बैठिए बैठिए, क्या हाल है आपका? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका कब तक इरादा है इतनी खूबसूरत रहने का? Oh my God. अब तो मुझे अपना चेहरा भी दिखाना चाहिए। You are live on Facebook? No, not live, but I'm going to put this. Okay, wonderful. And I have to say that I love you, and we love you. थैंक यू। ऑल द कंट्री लव्स यू। सो स्वीट। मैं जब भी यहाँ पर लाउंज में कोई ये वीडियो लेने लगती हूँ ना, तो समबडी सरप्राइजेस मी। लोगों को ऐसा लगेगा जैसे ये सरप्राइज नहीं है, ये मतलब मैंने जानबूझ के किया, बट एक्चुअली मुझे सरप्राइज करते हैं लोग। चलो बाय गाइस, सी यू। सो यू गाइज आर ऑन कैमरा, देखो सब समोसे खा रहे हैं
बीच ब्रेक में अच्छा सैंडविच है अच्छा मुझे हो गया अब सैंडविच टाइम अच्छा ही स्टिल ईटिंग अ समोसा आप समोसा अभी तक खा रहे हैं मुझे एक भी नहीं मिला आप भी सैंडविच खा रहे हैं एक लास्ट के नाम का है हां एक लास्ट के नाम का चलिए इस पे मेरा नाम लिख दिया जाए है ना सो यू गाइस रियली एंजॉयड द समोसास ओके वी आर शूटिंग अ लिंक सो वी हैव टू बी रेडी क्वाइट अच्छा ये मेरा समोसा मुझे मिल गया थैंक यू भाई यम कितना स्वाद है तो आप लोगों को यकीन हो गया कि हम लोग बीच शॉट में शॉट के मतलब बीच में नहीं इन बिटवीन द शूटिंग खाते भी हैं वहाँ पर कपल शूट कर रहा है इसलिए हम लोग चुपचाप से यार थोड़ी देर के बाद खाऊंगा सो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलीज गाइज Wish you all the best thank for you, Panga. Thank you. Kangana, wish you all the best for Panga. I hope you watch it. Of course, we'll watch it, yeah? And we love the trailer. इंडस्ट्री में तो आपने जिससे भी पंगा लिया ऐसे दिल खोल कर पंगा लिया सो ऐसे कोई मेमोरेबल पंगा जो आपको पूरी लाइफ भर याद रहेगा कि हाँ इनसे पंगा लेना काफी मेमोरेबल रहा मेरे लिए मेमोरेबल अच्छा हुक लाइन है गाने के लिए वेल आई थिंक सबसे ज्यादा मजा तो मुझे इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आया हो आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब कितने कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं सामने तो कुछ नहीं कहते सामने गले लगाते हैं आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आया हो आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं सबके सब कितने कितने अच्छे से पीछे से जाके वार करते हैं सामने तो कुछ नहीं कहते सामने गले लगाते हैं आपको किस करते हैं और पीछे से जाके आपके लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करते हैं तो आपको पता नहीं कहाँ से कब किसके जरिए पड़ेगी तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम तो आई थिंक वही सबसे ज़्यादा मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है जैसे मेरे मित्र ने जिक्र किया पंगा कोई ऐसा पंगा जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था या भारी पड़ा आई थिंक मैंने जब भी जिंदगी में पंगे लिए हैं तो मेरी ग्रोथ हुई है जब मैं बहुत छोटी थी 15 साल की थी तो मैंने अपने फादर से पंगा लिया था एंड दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ मगर एसेंशियली अगर मैंने वो पंगा नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ सो हर पंगा हैज़ गिवन अ न्यू लैंडमार्क इन माई लाइफ तो वैसे तो आई वुड नॉट एक्सचेंज वेर आई एम टूडे फॉर एनी थिंग कोई भी पंगा चलेगा कंगना योर केमिस्ट्री विद जस्सी इज एब्सोल्युटली एंडियरिंग टू वॉच ऑन स्क्रीन स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट हियर इफ यू कैन सी मी या ऊपर ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर यू किक जस्सी माई क्वेश्चन इज कितने रिटेक्स लेने पड़े थे उसके लिए उसके लिए मैंने कुछ जान के भी कुछ रिटेक्स किए थे बिकॉज जस्सी जो है बहुत खुश रहता है और मैंने सोचा इसकी ये बहुत ज़्यादा खुश इंसान है तो इसको थोड़ा सा तो टेंशन दी जाए आई एम ऑनेस्टली आई एम जस्ट वेरी हैप्पी दैट देर आर बोथ नॉट ऑफ द सेम नेचर कई बार जो दो फिल्में होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं चाहे उनकी जो टारगेट ऑडियंस होती है कहानी अलग हो लेकिन उनकी टारगेट ऑडियंस अलग नहीं होती लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है स्ट्रीट डांसर की टारगेट ऑडियंस अलग है और हमारी अलग है सो विच इज़ अ काइंड ऑफ अ रिलीफ आई वुड लव टू हैव अ सोलो रिलीज टू बी ऑनेस्ट मगर लाइक अश्विनी जी सेड दिस इज़ नाउ अ फार फेच ड्रीम अश्विनी हाई दिस इज टू ईयर राइट दिस इज मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड कंग्रेचुलेशंस ऑन द वंडरफुल ट्रेलर एंड आई थिंक स्पेशल कंग्रेचुलेशंस टू लिटिल आदि हियर माई क्वेश्चन टू यू इज यू स्पोक एट द बिगिनिंग दैट दिस इज अ फिल्म दैट रेजोनेट्स विद यू So I wonder, with regards to the character of Mr. Jesse Gill, is there a bit of Mr. Nitesh Tiwari in him as well? No. Oh, why would that? It's a very personal question, but unfortunately, no. I think he's a very quiet person. All of you know him. He's pretty quiet and reserved, and there are no surprises in our lives. But in terms of support, in terms of my face is glowing right now. So, in terms of support, in terms of the silent push which we always need, he is not here today. The reason he's not here today is because he said that the moment I come and sit there in the audience, the camera will shift towards that. Is because this is the kind of society we live in. So you please enjoy that whole thing, and I'm not going to be there. I'll meet you in the night. And it's important that we as journalists and we as media people really push
more and more women and your family, your wives, your daughters, and also people like us is because of y'all. And if I'm always termed as some so-and-so's wife, who made a film, I made the best film last year, 2 years back, and I was still called as Nitesh Tiwari's wife. If you guys change that, everything else will change. So it comes from you all. And then I do not have to keep saying, you know what, I am an individual. Can my name just be the way I am? So yes, it's all about you. And if you give all of you all together, from the time you just don't become someone's daughter, someone's wife, Mrs. Q, I think things will change, you know. I'll just give you a simple example. Day before yesterday, we had to go and change our electricity bill. Name on our electricity bill. So Nitesh had gone, he had taken my sign and everything. And she said, oh, madam ne change nahi kiya surname. So he said, nahi kiya. So, you know, these are the things which sometimes troubles me, but it's fine. Everyone else, we all are, I'm sure there are a lot of women mothers out here and they all feel the same, so it's okay. बस मैं वहीं पे वहीं पे वहीं पे पीछे से क्लियर पीछे से क्लियर मैम सेंटर सेंटर मैम कंगना मैम सोलो सोलो मैम मैम सोलो 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 जस्सी पाजी सेंटर में मैम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सो टीम पंगा को बिग कंग्रेचुलेशंस दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट हियर कंगना ऑन योर लेफ्ट कंगना ऑन योर लेफ्ट हियर हाँ जी सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई द फिल्म टचेस द हार्ट मेरा सवाल आपसे ये है कंगना पहले तो आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस फिल्म को ढूंढ रही थी या इस फिल्म ने आपको ढूंढा बिकॉज द फिल्म इज पंगा एंड यू हैव मेड योर ओन वे एंड आपने भी पंगे बहुत लिए हैं इस यहाँ तक आने के लिए सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट आई थिंक इस फिल्म ने मुझे ढूंढा कहीं ना कहीं जब आपकी पर्सनैलिटी उससे रेजोनेट करती है मेरा संघर्ष सबके सामने बहुत ही इज लाइक एन ओपन बुक और मैं भी काफ़ी बात करती रहती हूँ अपने संघर्ष के बारे में कि मैं कैसे इस मुकाम तक पहुँची हूँ और उसके साथ में ही आई ऑलवेज कीप चैलेंजिंग द यू नो स्टेटस को एंड उसके करके आई थिंक कहीं ना कहीं अश्विनी जी ने देखा होगा ये मेरा तेवर बट आई पर्सनली फील इट इज़ अ स्टोरी दैट इज़ वेरी क्लोज टू अश्विनी मैम एंड आई फील दैट ये इन्हीं की कहानी है कबड्डी तो इन्होंने उसमें डाला है बिकॉज ये एक तरह का एक फिल्म के लिए डिवाइस है कबड्डी इट कैन बी इट्स अ मेटाफोर फॉर एनी ड्रीम ज़रूरी नहीं है आप कबड्डी खेले जिंदगी में स्पोर्ट्स ही करें कोई भी एक वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी इट शी फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू बाउंस बैक और अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हमें पूरे समाज का चाहिए होता है तो आई थिंक ये जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं भी एक्चुअली रो दी थी क्योंकि मैंने इतना बारीकी में इस बारे में कभी नहीं सोचा कि एक मदर को क्या फील होता होगा तो ये इन्हीं की कहानी मैं तो इनको कहती हूँ तुम्हारी बायोपिक है ये कंगना जी हेलो हेलो कंगना जी नमस्कार रेखा खान नवभारत टाइम्स से हाय रेखा जी जी सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है या एक हवा है या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है कुछ लड़कियों को लगता है
मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट, तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं. एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड. तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है. यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल. आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है. मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आईज सब दिया हुआ है. अगर यू नो नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है. दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड. अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट, कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है. सो आई ऑल आई वॉन्ट टू टेल द वुमेन दैट लुक इन टू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं. आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वहीं लूज़ हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं. तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर.